सूखी हुई अंगूर जिसको हम लोग मुनक्का के नाम से जानते हैं उसके बारे में आज बताऊंगा। इसका नाम है वाइटिस विनिफेरा मेडिकली, और ये किशमिश से अलग है। मैं आपको बता दूं, किशमिश मुनक्का में फ़र्क आप समझ लीजिए। किशमिश काफ़ी छोटा आकार का होता है, मुनक्का थोड़ा बड़ा आकार का होता है। मुनक्का ब्राउन कलर का होता है, किशमिश करीब करीब येलो कलर की ज़्यादा होती है, बहुत सूख जाए तो बात अलग है। किशमिश में बीज नहीं होता है, मुनक्का के अंदर बीज होती है। तो ये बड़े वाले किशमिश जो हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, इसको मुनक्का बोलते हैं। मुनक्का में कैलोरीज मैं आपको बता दूं, अच्छा खासा कैलोरी होता है, 354 कैलोरीज है। कार्बोहाइड्रेट 86% है, फैट करीब है नहीं इसमें, तो हार्ट के पेशेंट्स ले सकते हैं, पर डायबिटीज़ वालों को थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा क्योंकि मिठास इसमें बहुत है। इसमें प्रोटीन 2.3 ग्राम्स होता है, आयरन होता है। अच्छा, मुनक्का का सबसे बड़ा फ़ायदा है कब्जियत को दूर रखना। तो अगर आप मुनक्का को भिगो के रखते हैं, और रात को या दिन में, रात को भी लिया जा सकता है और सुबह भी लिया जा सकता है, मुनक्का को भिगो के आप लीजिएगा तो आपके बाउल मूवमेंट्स को सही रखेगा। एसिडिटी में भी ये कमी करता है, जिसको एसिड की प्रॉब्लम है वो मुनक्का भिगो के लेंगे तो उसमें फ़ायदा होता है। अच्छा, खांसी और सांस की जितनी भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसमें मुनक्का काफ़ी फ़ायदा करता है। तो मुनक्का को बॉईल करके भी लिया जा सकता है, मुनक्का को भिगो के भी लिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर लोअरिंग में भी मुनक्का काम करता है। ब्लड प्रेशर लोअरिंग का इसका मेन कारण है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड से ब्लड प्रेशर कम होती है। हार्ट के लिए भी फ़ायदा माना जाता है, ट्यूब्स को थोड़ा चौड़ा कर देता है। जो सॉर्बिट्रेट का काम है वो मुनक्का भी करता है थोड़ा बहुत। मुनक्का की जो पेस्ट बना के, इसको आप कहीं पे सूजन वगैरह हो वहाँ पे लगा दीजिए, अर्थराइटिस में लगा दीजिए, तो इसका पेन भी काफ़ी कम होता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है। मुनक्का में कुछ फेनोलिक कंपाउंड्स होती है जिनको आपको मानना होगा, जिसका नाम है रेस्वेरेटोल, फ्लेविनोइड, क्वर्टिसिन, कैचेसिन और पॉलीसाइनिन, प्रोसाइनिन एंड एंथ्रोसाइनिन। ये सारे चीज़ें हम लोग की बहुत सारे काम करती है। एक तो उम्र को बढ़ने नहीं देती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कोई भी बॉडी में रिएक्शन उसको रोकता है, कोई जर्म्स आपको बॉडी में पनपने नहीं देता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है कि आपके बॉडी में जो पोल्यूशन का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करती है, हार्ट को बचा के रखता है और नर्व्स को भी ताकत देता है। तो मुनक्का आप खा सकते हैं, 2-3 मुनक्का भिगो दीजिए या 4 मुनक्का भिगो दीजिए, पर अगर आप डायबिटीज़ वाले हैं तो ना लें। लेने का तरीका आपको हमने बताया, इसको दूध के साथ भी लिया जा सकता है, पर दूध का अगर स्किम्ड दूध हो तो अच्छा रहता है, और रात को लेंगे तो कब्जियत में ठीक रहेगा, दिन में लेंगे तो आपका बॉडी में आयरन, हाँ मुनक्का में आयरन काफ़ी होता है तो आपका एनीमिया का इलाज होता है इसमें, जिनको खून थोड़ा कम है या पीरियड्स में, लेडीज़ में पीरियड्स में काफ़ी ब्लड लॉस होती है, उनको मुनक्का लेने से वो आयरन का काम पूरा कर देता है, कमी नहीं होने देता आयरन की। तो आप मुनक्का के बारे में ये बात लोगों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट की बीमारी का हम लोग इलाज करते हैं विदाउट बाईपास, विदाउट एंजियोप्लास्टी। तो अगर हार्ट का कोई पेशेंट हो, हमारे हार्ट वाले सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जिसमें मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर लेक्चर करके एक लेक्चर है, उसको जरूर सुनने बोलिए। आप हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।